आदाब हैदराबाद समस्याओं के समाधान का हल पाओगे समस्याओं के समाधान का हल पाओगे अगर विज्ञान की ताकत को पहचान जाओगे नमस्कार मैं अनुराधा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है आदाब हैदराबाद जी हाँ दोस्तों इस कड़ी में हम एक ऐसे शख्सियत को आपसे मिलवाने जा रहे हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमा चुके हैं और जो किसी परिचय के मोहताज भी नहीं हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई भी देती हूँ विज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर से लेकर ऑफिस दफ्तर आज हर जगह पर हमारे साथ शामिल है हर छोटी बड़ी चीज़ में हम इसको अपने साथ आत्मसात करके चल रहे हैं तो आइए इस विशेष दिवस पर मैं आज के हमारे विशेष अतिथि जिनका नाम है डॉक्टर जी पद्मनाभम जी उनका मैं स्वागत करती हूँ सर आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है और आपने विशेष समय निकाला हमारे लिए और हमारे स्टूडियो में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और विज्ञान दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं सर uh, आप uh, विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी आगे तक पहुँच चुके हैं और काफ़ी चीज़ों पर आप लोग रिसर्च कर रहे हैं हालांकि जिस चीज़ के बारे में कभी हम सोच भी नहीं पाते थे आज हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगी कि, कि किस तरह से आपको ये प्रेरणा मिली कि आप इस क्षेत्र से जुड़ें या क्या कोई ऐसा कारण था या कोई ऐसा वाक्य था आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जिसने आपको इस ओर अग्रसर होने के लिए मजबूर किया या आपको आगे बढ़ाने में प्रेरणा दी सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारा पिताजी खुद इंजीनियर थे जी और जब मैं बहुत छोटा था हमारे पिताजी के दोस्त ने अमेरिका से हमारे लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक्स का सेट ले आया था हमारे लिए गिफ्ट जे गिफ्ट लेके आया था इससे क्या होता है कि वो छोटे छोटे ब्लॉक्स को यूज़ करके बहुत सारे चीज़ बना सकते हैं इसका लिमिट अपना इमेजिनेशन है जी। जो ब्लॉक्स के साथ जो गाइड बुक आया था उसमें सारा खत्म कर दिया साथ बना दिया जी। उसके बाद क्या क्या बना सकते हैं हम सोचने लगे हैं इसमें बहुत हम पसंद करते थे इसका मतलब ये है कि ये ये कहना चाहता हूँ कुछ चीज़ें इमेजिन करके बनाने का बहुत शौक था जी। या उसमें बहुत अच्छा लगता था हमें जी। तो शायद इसी को इंजीनियरिंग कहते हैं जी बिल्कुल तो उसके बाद हमारा रुचि जो है मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा था स्कूल लेवल में और उसके बाद जब टेन प्लस टू में आ गए थे हमें कुछ स्टेट स्कॉलरशिप भी मिल गया था और हमने मैथ्स साइंस मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लिया था और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था जी। जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था जैसे मैंने बोला था कि कुछ चीज़ें बनाना मुझे पसंद है विथ इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग फील्ड जो है वो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था अच्छा। तो मैन्युफैक्चरिंग फिर आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ देखेंगे जी। उसके अंदर जब तक जो मटेरियल इस्तेमाल करके हम कुछ बनाते हैं उसकी समझ सही तरह से नहीं होगी आप अच्छा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर बन नहीं सकते हैं तो इसलिए हमने इंजीनियरिंग मटेरियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया था जी। उसके बाद जानबूझ के हमने मास्टर्स में मेटलर्जी हाँ। सब्जेक्ट लिया था अच्छा जब वो भी ख़त्म हो गया मेटलर्जी और ऐसे फील्ड में हमें रिसर्च किया हमने हुँ. कि जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जी दोनों इस्तेमाल होता है हुँ. और ऐसे ऐसे हमारा इंटरेस्ट हमारा रुचि इंजीनियरिंग मटेरियल्स के ऊपर बढ़ता गया जी. और आ, आ, नब्बे उन्नीस सौ नब्बे की बात है हाँ. जब भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी मिशन न्यू मटेरियल शुरू किया था अच्छा. उस समय हमें एक चांस दिया गया था कि वो मिशंस का नोडल ऑफिसर बने हाँ। तो हम दिल्ली चले गए थे अच्छा दिल्ली में ये missions, आ, ये मटेरियल्स का मिशन हमने डेवलप किया उसी के साथ अभी ये जो ए सी है जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ इसका भी प्रोजेक्ट उसी समय बना था तो हमारे लिए तो फर्स्ट चॉइस था कि ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल्स के ऊपर बन रहा है वो भी एक्चुअल चीजें बनाने का और इंडस्ट्री के साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो मेरे लिए तो गौरव की, की बात है और और मैं लक की बात भी कह सकता हूँ हाँ। कि अच्छा सा मौका मिला हमने हाँ। इसको चुना और चुना, उस चुना पर और पर काफी, आ, आगे काफी आगे बढ़ गए आगे काफी बढ़, आगे बढ़ गया और काफी उससे हमें आनंद मिलता है मटेरियल्स रिसर्च करने में अच्छा सर आप ए में आज निदेशक के पद पर कार्यरत हैं तो ए जो संस्थान है हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये किस तरह की संस्थान है वैसे शोध संस्थान है तो किस तरह का इसमें शोध होता है क्या रिसर्च आप लोग करते हैं मटेरियल्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स रिसर्च करते हैं जी मतलब नया मटेरियल्स डेवलप करना हुँ. और उस मटेरियल्स को अप्लीकेशंस में इस्तेमाल करना ये है हमारा काम है अभी आप कोई भी इंडस्ट्री देखिए जितने भी नया नया चीज़ बनाने का जो काम होता है जी वो अच्छा मटेरियल के ऊपर निर्भर है बिल्कुल तो हमारा जो काम है हर एक क्षेत्र में इस्तेमाल होता है जैसे हमारा एक मटेरियल नया जो हमने बनाया है जी वो बायोडिग्रेडेबल बॉडी ह्यूमन इम्प्लांट के लिए बनाया है अच्छा आयरन मैंगनीज का मटेरियल है अच्छा वो वो लेके वहाँ से लेके हमारा एक जो हमने कंपोनेंट सेरेमिक कंपोनेंट डेवलप किया है जी वो सैटेलाइट मिरर में इस्तेमाल होता है तो ये मेरा कहना का ये मतलब है कि मटेरियल्स जो है हर एक क्षेत्र में महत्व रखता है और छोटा सा स्टेंट जो अंदर रख, अंदर रखा जाता है हाँ। वहां से लेके बड़ा सा मिरर हाँ। जो आसमान में है वहाँ तक जी 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 सारे तो सर ये जो स्टैंड आप लोग बना रहे हैं तो अगर ये हम लोग खुद भारत में बना रहे हैं तो फिर ये काफी कम दाम में भी मिलेगा और ये ज्यादा लोगों तक पहुँच भी पाएगा हमारा इरादा वही है जी जैसे हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि दो साल पहले ये बायोमेडिकल डिवाइसेस एंड इम्प्लांट जो है सस्ते में मिलना चाहिए हमारे देश में इसीलिए हमने भी हमारा हमारे रिसर्च लैब में जी इसके ऊपर काम किया और एक एक करके हम मार्केट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर उपलब्ध कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं जी जी तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि सर वैसे ए आर सी आई जब हम कहते हैं तो इसको हम पूरी तरह से क्या कह सकते हैं इसका जो फॉर्म मैं जानना चाहूँगी जी एक्चुअली बहुत से लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन भी है जी।, जी। हमारा नाम toh, तो इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मेटीरियल्स हैं लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ए आर सी आई लिखते हैं आई लास्ट में आता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन है लेकिन शॉर्ट फॉर्म हमें ऐसा रखा है अच्छा तो सर आज जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की तो आप क्या मानते हैं कि हम मटेरियल साइंस में या पाउडर मेटलर्जी में या कहीं नैनो टेक्नोलॉजीज में जहाँ आपके पास जो काम चल रहे हैं हम कहाँ तक आत्मनिर्भर हो पाए हैं यार सीए में जैसे हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स लेते हैं शुरू से ऑलमोस्ट हमारा ये पच्चीसवा सवाल शुरू होने वाला है जी शुरू से हमारा इरादा यही रहा कि ज, आ, जितना हो सके उतना हम अपने देश में बनाए हमारा सबसे पहले वाला टेक्नोलॉजी है इसको डेटोनेशन स्प्रे कोटिंग कहते हैं उसमें भी पाउडर्स इस्तेमाल करते हैं जी। वो पाउडर यूज करके वो डेटोनेशन से कोई भी कंपोनेंट के ऊपर हम कोटिंग कर सकते हैं वो वैसे पहले वो एक्चुअली एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट के लिए वो एप्लीकेशन था उसका कोटिंग जो है यूके में हो रहा था उस समय हमने उसके लिए इंडिया में ही बनाना है करके पूरा इक्विपमेंट भी यहीं डिज़ाइन किया और कोटिंग भी हमने डेवलप किया है जैसे ये सबसे पहला टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है पच्चीस साल पहले उस समय से लेके अब तक हम बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स भी और मशीन्स भी बनाए हैं जो हमने पूरा इंडिजिनस इंडिया में बनाने की कोशिश किया है तो हम ये आत्मनिर्भर भारत वाला मिशन में बहुत बिलीव करते हैं, हैं और जितने भी हमारा प्रोजेक्ट्स हैं और टेक्नोलॉजीज हैं वो हर एक क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे मैंने बोला एक बायोमेडिकल बोला एक स्पेस बोला और ऑटोमोटिव सेक्टर में है ऑयल सेक्टर में है और इवन हेल्थ एंड हाइजीन सेक्टर में है रिसेंटली हमने एक ऐसे प्रोडक्ट बनाया है सिंपल हेल्थ रिलेटेड है जो यूज्ड सैनिटरी नैपकिनस होते हैं उसका इंसिनरेशन हो जाता है बिना कोई एमिशंस का अच्छा वो हमारा सेरेमिक टेक्नोलॉजी से वो पॉसिबल हुआ है एक और मटेरियल हमने या कोटिंग हमने रिसेंटली आ, डेवलप किया है जी। जैसे हमारा सौर शक्ति पूरा आप जब बाहर जाएंगे तो बाहर आपको सा, बहुत सारा सोलार पैनल्स दिखते हैं जी। लेकिन इंडिया जैसे देश में काफी धूल होता है जब वो धूल वहाँ पे जम जाता है ये सोलार सेल्स का एफिशिएंसी कम हो जाता है अच्छा सो so, हमने ऐसा कोटिंग डेवलप किया है जिसके ऊपर धूल नहीं जमेगा अच्छा हाँ या आसानी से उसको हम क्लीन कर सकते हैं उससे क्या होता है कि हमारा दो दो से दस परसेंट तक हाँ. एफिशेंसी या ओवरऑल प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़, बढ़ जाता है जी जी तो आ, ये सारे जैसे सोलर एनर्जी से लेके सैटेलाइट से लेके बायोमेडिकल तक हर एक चीज में हमारा मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं अच्छा तो मतलब आप लोग जो मटेरियल बनाते हैं वो देश के सुरक्षा और अन्य जगहों पर तो काम आता ही है साथ ही साथ समाज में भी उसकी उपयोगिता है हाँ काफी ऐसे चीजें हैं अभी जो मैंने सौर सा, शक्ति का बोला है जी और एक और नया हमारा टेक्नोलॉजी आने वाला है बाहर आपने ये सुना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में साठ परसेंट तक जो कॉस्ट है वो बैटरीज का होता है ओके। लिथियम आयन बैटरीज का होता है और लिथियम आयन बैटरी के अंदर जो मटेरियल है पचास परसेंट कॉस्ट मटेरियल के लिए जाता है अच्छा वो सब अभी इम्पोर्टेड है इंडिया में तो हमने आठ साल पहले ही इसका रिसर्च शुरू किया है अब हम इंडिया में लिथियम आयन सेल्स बना सकते हैं वो भी अपना मटेरियल्स के साथ अच्छा वैसे कुछ कुछ मटेरियल बाहर से इम्पोर्ट होता है लेकिन ज्यादातर यही बनाया हुआ मटेरियल से हम लिथियम सेल्स बनाते हैं लिथियम आयन सेल्स बनाते हैं अच्छा अच्छा ऐसे ही आ, कुछ और मटेरियल्स हैं जो मोटर्स के लिए ऑल्टरनेटर्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी की बात किया था जैसे सोलर एनर्जी वैसे हमारा देश जो है अभी जितना भी हम पावर यूज करते हैं मैक्सिमम कोल बेस्ड पावर जनरेशन है अच्छा। और हमारा सरकार का भी यही मानना है कि और और 40 साल तक शायद हमें कोल के ऊपर डिपेंड करेंगे हाँ। लेकिन वो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि एफिशिएंसी जो हमारा थर्मल पावर प्लांट्स का है और लाइफ जो है उसको कैसे बढ़ाना है अच्छा उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं कि एफिशिएंसी बढ़ाने की क्षमता को बढ़ा जाए जैसे बढ एफिशिएंसी बढ़ाना हो तो उसको ऊपर का टेम्परेचर से ऑपरेट करना पड़ता है जब अब ऊपर हाई हाई टेम्परेचर से काम करेंगे उसके लिए अच्छा मटेरियल्स चाहिए होता है तो वो हम उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं आदाब हैदराबाद सर आपने अभी बात की मटेरियल्स की और आपने बताया कि किस तरह से आप अलग अलग क्षेत्र में आप लोग कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग जगहों पर आप लोग मदद कर रहे हैं लोगों को उनकी क्षमता बढ़ाने में और जो कार्य वो लोग कर रहे हैं उसको और भी निखार पाने में तो ऐसे में जब बात आती है सर पाउडर मेटलर्जी की पाउडर मेटलर्जी की तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आज विश्व के पटल पर हम अपने आप को कहाँ देखते हैं पाउडर मेटलर्जी ऐसा एक फील्ड है जिसमें सीधा कंपोनेंट्स बना सकते हैं हाँ। ज्यादातर इसका इस्तेमाल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में होता है अच्छा आ, तो क्या हम अपने आप को ये माने कि हम लोग आ, विश्व में आ, दूसरे पहले तीसरे मतलब कहाँ हम आज स्टैंड कर रहे हैं आ, मैं कन्वेंशनल पाउडर मतलब छोड़ के हाँ। वो नैनो पाउडर्स के बाद मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल क्योंकि वो भी पाउडर्स हैं हाँ, हाँ. लेकिन पाउडर मेटलर्जी थोड़ा पुराना फील्ड है हाँ. नैनो पाउडर्स थोड़ा 20 साल 20 साल जी. से चल रहा है उसका नैनो पाउडर्स का रिसर्च 20-25 साल पहले शुरू तो हुआ है हुँ. जितने भी लैब में रिसर्च हो रहा है वो बहुत छोटे छोटे क्वांटिटीज में हम वो लोग बना पाते थे आच्छे. लेकिन हमने ऐसा एक्टिविटी या फैसिलिटी डेवलप किया है जिससे हम किलोग्राम पर बैच नैनो मटेरियल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं अच्छा। आ, मैं ये कह सकता हूँ कि आ, हमारे पास जो छः सात अलग अलग टेक्नोलॉजी है नैनो पाउडर्स बनाने का और वो नैनो पाउडर्स को एक्चुअल अप्लीकेशन में यूज़ करने का हाँ. मैं ये कह सकता हूँ कि आ, हम भी हुँ. जो Uh, बड़े बड़े राज्य हैं जिसमें साइंस में जो आगे हैं उसमें हम आ सकते हैं अच्छा फॉर so, एग्जांपल जो हमारा नैनो सिल्वर यूज करके uh, हमने एंटीबैक्टीरियल कोटिंग टेक्सटाइल के ऊपर हमने बनाया है कपड़ों के ऊपर अच्छा वो उससे क्या होता है कि uh, हाइजीन बढ़ जाता है और वो कपड़े के ऊपर बैक्टीरिया नहीं पीसता अच्छा, है ओके। और बच्चों के लिए या कुछ बैंडेज मटेरियल के लिए हर एक के लिए एंटीबैक्टीरियल और ये प्रोडक्ट जो है एक हमारे पार्टनर कंपनी के थ्रू मार्केट में रिलीज किया है अच्छा और काफी सक्सेसफुल हुआ है और 2016 में ये प्रोडक्ट जो है इसके लिए नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड भी मिला है अच्छा तो सर मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देती हूँ कि आज हमारा जो परचम है वो नैनो टेक्नोलॉजीज़ कहिए या नैनो मटेरियल्स कहिए उसमें भी हम विश्व पटल पर लहरा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी सारे नए नए जो आप लोग इन्वेंशंस कर रहे हैं जैसे आपने अभी कपड़े की बात की या काफ़ी सारे अलग अलग और भी चीज़ें जो आपने बताई वो हमारे सभी के लिए कितने यूज़फुल हैं और हमारी डे टू डे लाइफ को वो काफ़ी सुविधाजनक बना रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को यहाँ पर बधाई भी देना चाहूँगी सर जब बात होती है मटेरियल्स की तो आप ए आर सी आई हैं और आपके बगल में डी आर डी ओ भी है बी डी एल भी है मिधानी है तो क्या आप इनके साथ एसोसिएट होकर भी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं या आप बिल्कुल अलग अपना फील्ड रखते हैं हम हर एक के साथ कोलाबरेट करते हैं अच्छा जैसे मैं बोला कि हमारा काम है सोल्यूशन देना हाँ. तो वो कोई भी सेक्टर से हो प्रॉब्लम हमारे पास आए हम उसके ऊपर काम करते हैं किसी को मना नहीं करते अच्छा आ, सर आपके जीवन से जुड़ी कुछ खास उपलब्धियां हमें बताइए मेरा टेंथ क्लास जी जब मैंने पास हुआ था और मुझे ऐसा स्कॉलरशिप मिला जिससे एक बहुत अच्छा सा इंस्टीट्यूशन है आंध्र प्रदेश रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज अच्छा नागार्जुन सागर में है वहाँ पे जब मुझे एडमिशन मिला था आ, उसमें एडमिशन मिलना ही बहुत मुश्किल है और पूरा खर्चा जो है हमारा पढ़ाई का गवर्नमेंट ही करती है अच्छा तो मैं समझता हूँ वो जो अचीवमेंट है शायद उसकी वजह से मैं इतना आगे बढ़ पाया हूँ जो ट्रेनिंग मुझे वहाँ मिला जी, जी। उसके बाद आ, आ, जब मैं अपना करियर शुरू किया था और साइंटिफिक एक्टिविटी शुरू किया था नाइन्टी नाइन में मुझे एक और नेशनल लेवल फेलोशिप मिला था जिससे मैं जर्मनी में फेलोशिप का रिसर्च रिसर्च करने का मौका मिला था आप जानते हैं हर एक मैकेनिकल इंजीनियर को जर्मनी में काम करना कैसे लगता है तो उससे मेरा रिसर्च करियर में हाँ। काफी एक एडवांस्ड मटेरियल के ऊपर काम करने का मौका मिला अच्छा उसके बाद फिर यहाँ हैदराबाद में ये ने एक बड़ा सा प्रोजेक्ट लिया था उसमें वेल्डिंग की वेल्डिंग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी तो इसीलिए मुझे यहाँ भेजा गया है दिल्ली से और वो भी हमने अच्छी तरह से किया अच्छा तो सर आप दिल्ली में जब कार्यरत थे तो वहाँ पर आपने कुछ नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाया या कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें छात्रों को कुछ सुविधा प्रदान हो सके आ, वैसे सबसे पहली बात यह है कि ए एस्टैब्लिश करने के लिए भी जो प्रोजेक्ट वहाँ से दिल्ली से बना था जी उसमें मैं इन्वॉल्व था अच्छा उस समय से तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि आप एआरसीआई के जनक हैं ऐसा ऐसी बा बात नहीं है <laughs> बहुत सारे हमारे बहुत सारे सीनियर्स जिसने एक्चुअली बनाया हमने सपोर्ट दिया अच्छा तो आप लेकिन हमने सपोर्ट दिया है जी जो भी ग्राउंड लेवल का काम होता है हमने जी वो किया है जी आप आप ये स्टूडेंट्स की बात किए हाँ, अपने हाँ. जब मैं हर एक साल जर्मनी में लिंडा नाम की जगह में हुँ. सारे नोबल और एक जगह इकट्ठा होते हैं हुँ. और स्टूडेंट्स के साथ मिलजुल के बातें करते हैं हुँ. वो मुझे पता चला जब मैं जर्मनी में था सो अच्छा। so, जब दो हजार में मैं वापस आया था दो हजार या दो हजार एक में हुँ. वापस आया था इंडिया में हुँ. हमने सोचा कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को भी ऐसे मौका मिलना चाहिए अच्छा नोबेल करें इंटरेक्ट करें एक हफ्ते का इंटरेक्शन है।, अच्छा। है हर एक चीज पूछ सकते हैं जैसे एक ऐसा माहौल है कि आप कोई भी प्रश्न उनसे पूछ बिल्कुल, सकते हैं उनसे मा, मा, और विभिन्न क्षेत्र के लोग एक साथ आपके सामने वहाँ पर मिलेंगे वैसे वो हर एक साल में वो पहले फिजिक्स का दूसरा साल केमिस्ट्री उसके बाद फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन ऐसा हर एक साल में वो अलग, होता अलग, है, अलग अलग था अलग तो हमने uh, ऐसे प्रोग्राम उन लोगों के साथ ऑर्गेनाइजर्स के साथ बनाया था कि हर एक साल 20 छात्र इंडिया से जाके वहाँ पे एक हफ्ते के लिए नोबेल अवार्ड्स uh, के साथ मिले और वापस आके काफ़ी मोटिवेटेड हो जाते हैं जब तक बिल्कुल, जब तो ऐसा एक ऐसा ही बहुत सारी चीज़ें हैं हम अपने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा करने की कोशिश की है जिसमें हम इन्वॉल्व हैं दो ऐसे दो तीन चीजें ऐसे हैं अच्छा अच्छा तो सर इससे पहले ये कार्यक्रम नहीं होता था और आपने इस कार्यक्रम को पूर्णतः रूपरेखा दी भारत के छात्रों के लिए और आज भारत के छात्र नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ मिलते हैं उनके साथ एक हफ्ता समय बिताते हैं और उनसे बहुत सारी जानकारी और ज्ञान प्राप्त करके वापस आते हैं और इससे पहले ये नहीं होता था बाकी देशों के बच्चे आते थे लेकिन भारत के बच्चे नहीं, 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 जाते, नहीं।, थे। नहीं। जाते थे नहीं। तो ये सर बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी कि आपने देश के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है आ, मैं ये मानती हूँ सर कि हमारे जो विद्यार्थी होते हैं या यूँ कहिए कि हम सभी में एक वैज्ञानिक छुपा हुआ है बस ज़रूरत होती है एक सही मौके की और एक सही समय का जब हमें लगता है कि हाँ हम इस विषय में कुछ कर सकते हैं तो सर आपने अपने करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया उनमें से कोई चुनौतीपूर्ण कार्य जो आपको लगा हो और जिसे आपने सफलता से कर दिखाया हो ऐसा कुछ वाक्य हमसे साझा कीजिए अभी अभी मैंने कहा था कि ये बेस्ड एनर्जी जनरेशन बॉइलर्स में कोयले को जलाया जाता है और जी। उससे जो हीट होती है उससे स्टीम बनती है जी। वो लेकिन हमारे इंडियन कोयले में एश कंटेंट ज़्यादा है उससे क्या होता है कि जहाँ से भी कोल बॉयलर के अंदर जा रहा है उसको बर्नर टिप कहते हैं वो जल्दी खत्म हो जाते उससे पूरा एफिशिएंसी कम हो जाता है हमने सोचा अगर हम उसको उसका जो लाइफ उस पर्टिकुलर वो बर्नर टिप का लाइफ थोड़ा बढ़ाए उससे 20 दिन का एनर्जी प्रोडक्शन बच जाएगा तो हमने सोचा उसका कुछ करेंगे जी। आ, हमारा जो एयरक्राफ्ट इंजन के लिए जो हमने टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किए थे हम हमारे सोच में ये आया कि शायद वो यहाँ काम कर जाएगा अच्छा तो उसी कोटिंग को हम यहाँ पे इस कंपोनेंट के ऊपर लगा के हाँ। हमने थर्मल पावर प्लांट में लगाया और इसका ल, लाइफ जो है वो पर्टिकुलर बर्नर टिप का लाइफ जो है दो से तीन गुना बढ़ गया है अच्छा अरे वाह तो तो हमें उसकी क्षमता और बढ़ गई और, और बढ़ गई हाँ। उससे क्या होता है कि काफी प्रोडक्शन बच जाएगा आपका बीस दिन का बिल्कुल जो हर एक साल इसको खोल के पूरा ओवरऑलिंग करना पड़ता था अब दो साल के बात कर सकते हैं तो उत्पादन की क्षमता जो हाँ। है आप लोगों ने और बढ़ा दी और समय का बचत हो गया हाँ। जी उससे काफी मतलब ये मैं इतना बड़ा चैलेंज नहीं कह सकता हूँ लेकिन आइडिया को इस्तेमाल करके कुछ उपलब्धियाँ अच्छे से उपलब्धियां प्राप्त करना जो है काफी हाँ। आनंद मिलता है उससे। जी 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 उसकी उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जी वो अच्छा जी। लगता है जी 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 तो आपने ये सफलता पूर्वक किया सर बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश हित में काफी सारे अच्छे कार्य हो रहे हैं आदाब हैदराबाद सर जाते जाते मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि आज के इस विशेष दिन पर जब हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात कर रहे हैं ऐसे में जो हमारे विद्यार्थी और श्रोता या दर्शक हमारे जो देख रहे हैं आपको अपने टेलीविजन सेट पर उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे मेरा संदेश यह है कि जो मेरा अपना जीवन से जो मैंने सीखा है बिल्कुल उसी से मैं कुछ बोल सकता हूँ हाँ जो भी फील्ड ले लीजिए जो भी साइंस 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 में तो हर एक दिन आपको नया चैलेंज मिलेगा जब एक एक चैलेंज आपको आप उसको सॉल्व करते जाएंगे उससे जो आनंद मिलता है वो कि, कहीं, और नहीं मिलता। कहीं और नहीं मिलेगी कितने नहीं। भी पैसे मिलेंगे उससे नहीं होगा हो लेकिन वो इतना आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलना हो उसके लिए आप आप आपके अंदर वो जो क्यूरियोसिटी है और जो क्षमता है उसके इनडेप्थ जाने का ये दोनों जब आप डेवलप करेंगे जी। आपको साइंस भी बहुत अच्छा लगेगा और रिसर्च करने का भी जो आनंद मिलता है वो भी मिलेगा जी और आप आप लोगों के लिए देश के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे अच्छा तो सर ये ये आप मतलब संदेश देना चाहते हैं कि आप जो भी चीज करना चाहते हैं उसकी जिज्ञासा आपके अंदर होनी, होनी चाहिए।, चाहिए जी तो सर जाते-जाते बस जल्दी से ये बता दीजिए कि आपके शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों के लिए कुछ कोर्सेज होते हैं या कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं काफी कार्यक्रम है जी जैसे ग्रेजुएट्स से लेके पी तक हमारे यहाँ प्रोग्राम्स हैं इंटर्नशिप्स हैं रिसर्च फेलोशिप्स हैं पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप्स हैं और बच्चों के लिए भी जो हाई स्कूल से लेके टेन प्लस टू तक है या ग्रेजुएट्स तक है हर एक साल साइंस के साइंस डे के दिन हम हमारे लैब को पूरा ओपन कर देते हैं वो आके हमारे साइंटिस्ट के साथ मुलाकात कर सकते हैं अच्छा। लैब विजिट कर सकते हैं डेमोस्ट्रेशन देख सकते हैं उनके उसके विजिट के बाद कुछ इंटरेस्ट हो तो उसके बाद भी हम कंटिन्यूड उनको आप मदद करते हैं और उनकी जो जो, इच्छा, जो भी ऊंचा है आ, 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 उनसे जो 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 कुछ चोटा है उसको आ, आप पूरा करते हैं उनसे भी कुछ छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट करवाते हैं अच्छा जो अच्छा करते हैं उसको प्राइस भी देते हैं अरे वाह तो आ, काफी कुछ शायद मैं ये भी बोल सकता हूँ पिछले पच्चीस साल में शायद दस हजार से ऊपर विद्यार्थियों को हमने आ, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग है। दी है अच्छा। हमारे प्रशिक्षण उनको दिया। से से। जी। या एक्सपोजर कह सकते हैं या प्रशिक्षण कह सकते हैं जी। हर एक तरह का प्रोग्राम मिला के कुछ दस हजार लोग यार दस हजार तक अच्छा विद्यार्थी विध्यार्ति जो है हाँ। यार से आ चुके हैं ओह वाह <laughs> ये बहुत ही गौरव की बात है कि आप लोग अपने काम के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं और उनकी जिज्ञासाओं को भी आप महत्व दे रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने बहुत ही आप व्यस्त रहते हैं और उसमें से समय निकाल कर आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े आज के इस कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद ये मेरा सौभाग्य है कुछ लोग इतिहास लिखते हैं कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं जी हाँ हमारे आज के जो विशेष अतिथि थे ये उन्हीं में से एक थे जिस तरह से हीरा ख़ुद नहीं कहता कि वो हीरा है उसकी चमक और उसकी परख जौहरी को ही होती है उसी तरह से हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं वो काफ़ी सारे कार्य कर रहे हैं हमारे देश को आगे बढ़ाने में उन्नत बनाने में और प्रगतिशील पथ पर अग्रसर ले जाने में तो आज के जो हमारे विशेष अतिथि थे डॉक्टर जी पद्मनाभम जी जो निदेशक ए के रूप में कार्यरत हैं और काफ़ी सारे नए कार्य भी कर रहे हैं उन्होंने हमें कई सारी ऐसी जानकारी दी जिन्हें हम अपने जीवन में अपना सकते हैं और किस तरह से अपने अंदर की जो जिज्ञासा है उसको पूर्ण कर सकते हैं ये भी उन्होंने हमें बताया तो आज के इस विशेष कार्यक्रम के लिए आप सभी को धन्यवाद आपने देखा मैं पुनः एक बार आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूं धन्यवाद आदाब हैदराबाद